अगर वो इतना बड़ा मर्द है, इतना ताकतवर है, तो यहाँ आकर वो आएगा, आत्मा निकालेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राहुल जी मीडिया में। एक बार फिर से दोस्तों, साउथ सुपरस्टार धनुष की 50वीं फिल्म रायन सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में एक्टर डायरेक्टर धनुष एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। तो क्या इस बार धनुष ने कमाल कर दिखाया है या नहीं, चलिए जानते हैं। मैं आपका दोस्त सुमित के रावल, तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो फिल्म रायन की कहानी एक साधारण से लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए एक खूंखार अपराधी बन जाता है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और इमोशन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों बात करें इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो धनुष ने इस फिल्म में अपने अभिनय से एक बार फिर से सबको प्रभावित किया है। एक एक्शन हीरो के रूप में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। उनके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज काफी इम्प्रेसिव है। वहीं दोस्तों फिल्म में एक्शन सिक्वेंस काफी धमाकेदार है, स्टंट जबरदस्त तरीके से फिल्माए गए हैं। एक्शन के शौकीनों के लिए ये फिल्म एक ट्रीट साबित हो सकती है। साथ ही एयर रहमान का संगीत फिल्म को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। फिल्म का कैमरा वर्क, एडिटिंग और प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी अच्छा है। वहीं बात करें कुछ निगेटिव पॉइंट्स की, तो फिल्म की लंबाई कुछ ज्यादा लग सकती है। इसके अलावा कहानी में कुछ जगहों पर थोड़ी लेंथी महसूस होती है। कुल मिलाकर दोस्तों रान एक अच्छी एक्शन फिल्म है। धनुष के फैंस के लिए ये फिल्म एक ट्रीट साबित हो सकती है। हालांकि कहानी में कुछ कमजोरियां होने के बावजूद फिल्म आपको एंटरटेन जरूर करती है। दोस्तों ये रहा धनुष की फिल्म रायन का फुल रिव्यू। आपको यह रिव्यू कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स के जरूर बताइए। साथ ही यह बताइए आपने यह फिल्म देख लिया है या नहीं, और आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी धनुष के डायहर्ड फैन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही फिल्मों के रिव्यू आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।